आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी बुक क्लास 5 मेरी गोल्ड से एक पोएम जिसका नाम है द लेजी फ्रॉग आरसी मेंढक। तो ये पोएट्री जो है इसमें कहानी है एक आरसी मेंढक की जो बस पड़ा रहता था, कुछ काम नहीं करता था। उसकी मम्मी कुछ करने के लिए बोलती थी तो वो सुनता नहीं था, सारा दिन लेटा रहता था। ठीक है जी, तो चलिए पढ़ते हैं इसे। On a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends. जब आप स्कूल जाते हो तो उस दिन आप बिजी होते हो अपने दोस्तों के साथ खेलने में, बातचीत करने में, है ना, पढ़ाई करने में। When you have a holiday from school, what do you do? और जब आपकी छुट्टी होती है, स्कूल आपको नहीं जाना होता है, तो उस दिन आप क्या करते हो? Would you behave a little like the frog in the following poem? क्या आप उसी मेंढक की तरह बिहेव करते हो जैसे कि इस पोएट्री में मेंढक है वो करता है? तो चलिए पढ़ते हैं। Fred is a very lazy frog who loves holding upon a log. He always manages to shirk doing a single stroke of work. तो यहाँ पर जो Fred है उस मेंढक का नाम है, क्योंकि बहुत ही आलसी है और सारा दिन वो पड़ा रहता है। लॉल्स का मतलब है आलसी होकर पड़े रहना और लॉग का मतलब है जो पेड़ का तना होता है ना, पेड़ को काट देते उसका तना पर होता है, उसको बोल देते हैं। तो सारा दिन वो उस पर लेटा रहता था आलसी करके। He always managed to shirk doing a single stroke of work. और जी जुआ कर रखा था काम करने से, एक भी काम वो करता नहीं था। His poor old mother calls in vain, come in and help. He doesn't bother. तो उसकी बिचारी जो मम्मी थी ना, बूढ़ी मम्मी, वो उसको बुलाती रहती थी काम करने के लिए कुछ ना कुछ, लेकिन सब बेकार, बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनता था। वो कहती थी बेटा आ जाओ, मदद करो इस काम को करने में, ये कर दो या वो कर दो, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता था। बिल्कुल भी इसको परेशानी नहीं होती थी कि मेरी मम्मी जो है वो मुझे बुला रही है तो मैं उनकी बात मान लूं, उनकी किसी तरीके से हेल्प कर दूं। टू मूव 2 inches मच प्रेफर्ड टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ फ्योरी। और बहुत ज्यादा बोलने पर वो सिर्फ 1 से 2 इंच तक ही बढ़ता था, वो भी बहुत ज्यादा दबाव डाले। ऐसा लगता जैसे कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है उसको, अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, सुना अनसुना कर देता था। He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. तो पड़ा रहता था बिल्कुल चुपचाप उस पेड़ के तने पर, है ना, और ढेर बन के, और आराम से, बड़े ही प्यार से, आराम से, conveniently मतलब बिल्कुल आराम से सोता रहता था। If a lady frog hops past, he would think he would just get up at fast to go and help her on her way. But no, I'm ashamed to say that when a lady frog comes by him, he doesn't open up one eye. तो आप सोचोगे कि अगर उसके सामने से कोई लेडी मेंढक जो है वो गुजरेगी ना, तो वो फटाक से उठ जाएगा, अपनी आंखें खोल लेगा और रास्ते में उसकी मदद करेगा, है ना। लेकिन मुझे कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है बहुत ज्यादा कि उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। लेडी फ्रॉग उसके सामने से गुजर जाती थी और वो बिल्कुल भी अपनी आंख उठाकर भी नहीं देखता था, जिस तरीके से होना चाहिए ना कि भाई कोई लेडी अगर गुजर रही है तो उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हो, है ना। तो ऐसा वो मेंढक नहीं था, बस लेटे रहता था, पड़ा रहता था, सारा दिन काम से जी चुराता था। ठीक है, तो अगर आप भी इस तरह के हैं तो ऐसी चीजें अपने अंदर से अवॉइड करिए। आलस जो है वो अच्छी चीज नहीं है, हर काम में हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ओके जी, और आलसी व्यक्ति हमें कोई भी पसंद नहीं करता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है वो समझ आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।